Hey everyone, how are you all? I'm your friend Dinesh Saini. Again, I welcome all of you on this wonderful channel. So my dear students, as you all know that here we are studying about spoken English and I am taking your regular classes of spoken English. So दोस्तों, आज की क्लास में जो है अपन एक बहुत ही प्यारा सा सेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में कहता हूँ कि अगर आपने पहले वाली वीडियोस जो दोस्तों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक नई क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दिखाता हूँ। तो अब तक अपन ने किस किस के बारे में पढ़ लिया है तो दोस्तों थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक की जो अपनी क्लासेज है वो अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस तक जो है दोस्तों पढ़ लिया है, मतलब अपन ने डू के बारे में पढ़ लिया है, डिड के बारे में पढ़ लिया है, विल के बारे में पढ़ लिया है, एजमार के बारे में पढ़ लिया है और वॉज वर के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको इतने सारे वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी और सारे वीडियोस आप वहां से देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं हैज और हैव के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हैज और हैव के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सर, इनका यूज कहां पे करेंगे? तो दोस्तों, हैज और हैव का यूज आप कहां पे करोगे? तो एक प्यारी सी डेफिनेशन सुनो, जब भी कोई काम आपकी आंखों के सामने चलता 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 रुक जाता है या कंप्लीट हो जाता है, रुक जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, तब आप किसको काम में लोगे? हैज या हैव को काम में लोगे। आई की बात करनी है कि सर मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, तब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव, और एक्शन के साथ बच्चों कौन सी फॉर्म लगाओगे? आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई हैव और एक्शन की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बोलना पड़े, मैंने लिख लिया, तो आप बोलोगे आई हैव रिटन। क्या बोलोगे? आई हैव रिटन। आई और हैव को मिला के बच्चों बोलेंगे अहैव, अहैव, अहैव। बोलो दोबारा एक बार, अहैव, अहैव, अहैव। बोल सकते हो? वेरी नाइस दोस्तों। तो बोलना पड़े, मैंने लिख लिया, तो आप बोलोगे अहैव रिटन। मैंने खा लिया, अहैव ईटन। मैंने पौधों में पानी डाल दिया, आई हैव वॉटर्ड द प्लांट, आई हैव वॉटर्ड द प्लांट। बता सकते हो? मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। मना करना पड़े कि सर मैंने ये काम नहीं किया, तो आप बोलोगे आई हैव नॉट। एक्शन के साथ कौन सी फॉर्म लग जाएगी बच्चों? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन। क्या बोलोगे? आई हैव नॉट रिटन। हां बोलना पड़े, आई हैव एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म। मना करना पड़े, मैंने ये काम नहीं किया, तो आप बोलोगे आई हैव नॉट, एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे अगर आपको बोलना पड़े सर मैंने डांस कर लिया, आई हैव डांस्ड। मैंने डांस नहीं किया, आई हैव नॉट डांस। मैंने लिख लिया सर, आई हैव रिटन। मैंने नहीं लिखा, आई हैव Not written। अब देखो, पूछना पड़े सर आपने ये काम कर लिया क्या, तब आप बोलोगे have you, और have बाद में क्या लगाओगे? एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाओगे। सर आपने लिख लिया क्या? have you written। क्या बोलोगे? have you written। जी सर मैंने लिख लिया, I have written। मैंने नहीं लिखा, I have not written। आपने कर लिया क्या? have you done। मैंने कर लिया, I have done। मैंने नहीं किया, I have not done। क्या बोलेंगे? I have not done। बता सकते हो? एक तो डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम चलता चलता रुक जाता है या कंप्लीट हो जाता है, तब आप have और has काम में लोगे। दूसरी डेफिनेशन है बच्चों कि जब आपको सामने वाले को एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़े। किसके बारे में? एक्सपीरियंस के बारे में बताना पड़े। जैसे सर मेरा ताजमहल देखा हुआ है, मेरा ताजमहल देखा हुआ है,
तो आपके पास क्या है? ताजमहल देखने का एक्सपीरियंस है। सर मेरा RSCIT किया हुआ है। तो आपका RSCIT का क्या है? एक्सपीरियंस है। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन की हुई है मतलब आपके पास पूरी ग्रेजुएशन का क्या है? एक्सपीरियंस है। तो जब भी आपको एक्सपीरियंस बताना पड़े कि मैंने यह काम किया हुआ है तो आप काम में लोगे सेम फॉर्मूला आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे मेरा ताजमहल देखा हुआ है, आई हैव सीन ताजमहल। क्या बोलोगे? आई हैव सीन ताजमहल। मेरा ताजमहल नहीं देखा हुआ सर, आई हैव नॉट सीन ताजमहल। आपका देखा हुआ है क्या? हैव यू सीन ताजमहल? बता सकते हो। सर मेरा तो RSCIT किया हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड RSCIT या फिर आई हैव डन RSCIT। मेरा RSCIT नहीं किया हुआ, आई हैव नॉट डन RSCIT। सर मेरा तो PGDCA किया हुआ है, आई हैव डन PGDCA। बता सकते हो बच्चों? वेरी नाइस। ये थी बात आपकी और मेरी। अब बात करते हैं किसी तीसरे की, ही सी इट, या फिर किसी भी नाम की बात करते हैं तो बच्चों क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा कि सर राहुल ने ये काम किया हुआ है क्या? तो हैज राहुल एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म। सर राहुल का RSCIT किया हुआ है क्या? हैज राहुल डन RSCIT। और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है बच्चों। राहुल का किया हुआ है, राहुल हैज डन RSCIT। राहुल का नहीं किया हुआ, राहुल हैज नॉट डन RSCIT। क्या बोलेंगे? राहुल हैज नॉट डन RSCIT। मेरा देखा हुआ है, आई हैव सीन। आई हैव सीन, मेरा नहीं देखा हुआ, आई हैव नॉट सीन। राहुल का देखा हुआ है, राहुल हैज सीन। बता सकते हो? राहुल का ताजमहल देखा हुआ है, राहुल हैज सीन ताजमहल। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया क्या? हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल। कंप्लीटेड का वर्ड याद रह गया दोस्तों। तो सब्सक्राइब मतलब होता सदस्यता लेना, कि हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल। अगर आपने कर दिया है तो कमेंट में मुझे बताना आई हैव सब्सक्राइब, और नहीं किया है तो बताना आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। वो आपकी कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। बता सकते हो बच्चों? तो आई हैव का यूज करेंगे आई के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और हैज का यूज करेंगे ही सी इट या फिर कोई भी नेम होता है तब अपन किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। इतना समझ में आया बच्चों आपको कि हैव और हैज का यूज कब करेंगे? दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, पे अटेंशन, कि जब बताना पड़े सामने वाले को कि कोई भी काम चलता 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 या तो रुक जाता है या कंप्लीट हो जाता है। जैसे पंखा चल रहा है सर, फैन इज वर्किंग। अब स्विच ऑफ कर दीजिए, अब पंखा घूम रहा है, घूमते घूमते एकदम क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे? फैन हैज स्टॉप्ड। क्या बोलेंगे? फैन हैज स्टॉप्ड। जैसे बोलना पड़े, मैं लिख रहा हूं सर, आई एम राइटिंग। क्या बोलेंगे? आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं सर। मैंने, जैसे ही आप लिखना जो है वो बंद करते हो तो क्या बोलोगे? सर मैंने लिख लिया सर, आई हैव रिटन। क्या बोलोगे? आई हैव रिटन। बता सकते हो बच्चों? वेरी नाइस। सर मैंने नहीं लिखा, आई हैव नॉट रिटन, मेरी फ्रेंड ने लिख लिया, माय फ्रेंड हैज रिटन। क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड हैज रिटन। बता सकते हो दोस्तों? वेरी नाइस। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बता सकते हो। तो दोस्तों हैव और हैज को पढ़ने के बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं गो अहेड। क्या बोलते हैं? गो अहेड। बोलो गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है बच्चों आगे बढ़ना। सेल वी गो अहेड, और सेल और वी को मैंने बताया था शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेवी। तो आप सीधा सा बोल सकते हो, सेवी गो अहेड, सेवी गो अहेड, सेवी गो अहेड, मतलब हम आगे बढ़े क्या? मुझे पता है आपका आंसर क्या है। आपका आंसर है बाय ऑल। हैव और हैज को पढ़ने के बाद पढ़ते हैं बच्चों अपन हेड के बारे में।
तो जो कंडीशन प्रेजेंट में हैज और हैव के साथ अप्लाई होती है वही कंडीशन पास्ट में हैड के साथ हो जाती है। जैसे मैंने ये काम कर लिया था, मैंने यह काम कर लिया था, कब किया था बच्चों? पास्ट में किया था। ये तो अभी अभी किया है सर, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैंने लिख लिया सर, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। और यही बात पीछे की करनी पड़े कि सर मैंने उस दिन लिख लिया था सर, तो आप बोलोगे बच्चों आई हैड रिटन दैट डे, मतलब बात कब की हो गई? पीछे की हो गई। आई हैड रिटन दैट डे, मैंने उस दिन नहीं लिखा था सर, आई हैड नॉट रिटन, आई हैड नॉट रिटन। बता सकते हो? आपको डिड में और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पूछना पड़े सर आपने ताजमहल पहले देख लिया था क्या? तो हैड यू सीन ताजमहल? जैसे मैं आपसे पूछूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया क्या? हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल? तो कई बच्चे बोलेंगे सर आई हैड सब्सक्राइब्ड योर चैनल, मैंने तो आपका चैनल कब का ही सब्सक्राइब कर दिया। बता सकते हो बच्चों? तो इस तरीके से आप हैव, हैज और हैड को जो है दोस्तों यूज कर सकते हो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज का ये जो सेशन है हैज के बारे में, हैव के बारे में और हैड के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड हैव यू लाइक्ड माय वीडियो, कि आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया और क्या आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।